उज्जैन से दिखाएंगे इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर, जहां पर ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई को दिया है अंजाम। जनपद सीओ को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते किया है गिरफ्तार। तराना जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी केपी राज को उज्जैन ईओडब्ल्यू ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। उक्त कार्रवाई ग्राम पंचायत बेलरी के सरपंच रामचंद धाकड़ की शिकायत पर की गई। ईओडब्ल्यू के डीएसपी संजीव कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद सीओ केपी राज द्वारा सरपंच से सीसी निर्माण को लेकर 20,000 की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत सरपंच द्वारा ईओडब्ल्यू उज्जैन को दी थी, जिस पर टीम द्वारा बुधवार को सुबह जनपद सीओ केपी राज को सरपंच से 20,000 की राशि लेते हुए रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। ये ग्राम बेलरी के में निर्माणात्मक कार्य के लिए सरपंच द्वारा शिकायत किया गया था पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू उज्जैन के यहाँ कि इसमें प्रशासनिक स्वीकृतियाँ के लिए उनके द्वारा पैसे की मांग की जा रही है। तो उस मांग पर हम लोगों ने पहले रेकी करके उसका पूरा वेरीफाई किया कि इनके द्वारा मांग की जा रही है नहीं। जब ये वेरीफाई हो गया देन आफ्टर आज हम लोगों ने उनको जैसे ही पैसे लेके भेजा तो उन्होंने उसको स्वीकार किया, अपने पास रखा और देन हमारी टीम ने उनको कैप्चर किया। राशि मिली उनके पास? बिल्कुल, उनके पास राशि मिली। सराहनीय भूमिका किन किन की रही इसमें? पूरी टीम ये टीम वर्क। सर पूर्व में भी कुछ इस तरीके के मामले सीओ साहब द्वारा किए गए हैं, ऐसी जानकारी आई है? हमारे पास जो भी सूचना आई है उस पर हम लोगों ने काम किया है, और अगर कोई अन्य पूर्व की सूचना आती तो। कितनी राशि है सर इतनी? ये अभी 20,000 रुपए की राशि इनसे प्राप्त हुई। धन्यवाद। इनका ITC एक्युमुलेशन का रेशियो, जो हम लोग अपनी भाषा में या GST की भाषा में रेशियो एनालिसिस टेस्ट कहते हैं, इस रेशियो एनालिसिस टेस्ट में हमने दो चीजों को उठाया। एक तो ITC अर्न इन GSTR 2A डिवाइडेड बाय टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। जब ये रेशियो निकाला गया तो ये रेशियो 18-19 में लगभग 1:1 का था। ये रेशियो 19-20 में ये 1.27 का हो गया, 20-21 में ये 1.43 का लगभग हो गया।